नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि TFA रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं रेलवे में। TFA का फुल फॉर्म है टेल फर्दर एडवाइस। ये टास्क है जो CM रूल द्वारा जून द्वारा किया जाता है। इस टास्क के द्वारा कोई भी स्टेशन लोडिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वहाँ के लिए कोई भी लोडिंग नहीं हो सकती है, कोई डिमांड भी रजिस्टर नहीं हो सकता है। इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए हमें जोनल यूजर से लॉगिन करना होता है RMS जोनल में। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए CM रोल का होना जरूरी है। CM रोल से ही ये टास्क हो सकता है कि हम CM रोल से कर लेंगे, फिर सबमिट कर देंगे, ये लॉगिन हो गया हमारा। इसमें देखेंगे स्टार्टिंग में कॉन्फ्रेंस के बाद में एक CM टास्क है जिसमें मैनेज TFA रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा रिस्ट्रिक्शन करेंगे खुल गया। मैनेज TFA रिस्ट्रिक्शन ऐसा क्या देख सकते हैं लिखा हुआ, फिर हम क्लिक करेंगे तो जो भी लगा होगा अभी तक का ये यहाँ दिखाई देगा, डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम नया रिस्ट्रिक्शन लगाने जाएंगे, उसके लिए एड रिस्ट्रिक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर एडिट पे, फिर कोई भी नॉर्थन रेलवे का स्टेशन ले सकते हैं हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। डीके चेक कर लेते हैं, दिल्ली स्टेशन में एक स्टेशन है नॉर्थन रेलवे दिल्ली डिवीजन का, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इसमें कल का या उसके बाद का फ्यूचर डेट ले सकते हैं। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नेक्स्ट डे में ही लग सकता है। तो हम 21 ले लेंगे। फिर अथॉरिटी नंबर डालेंगे, कोई लेटर नंबर होता है जिसके अथॉरिटी लगा, ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। फिर अथॉरिटी वाई में CM डाल देंगे, अथॉरिटी डेट जिस डेट में आप काम कर रहे हैं, जिस डेट का लेटर हो वो डेट लेंगे, या हम आज का ही डेट लेते हैं 20 अगस्त का। फिर इसको सेव कर देंगे, सेव करके सेव सक्सेसफुली आ गया, इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गया है। अब उस स्टेशन के लिए कोई भी लोडिंग नहीं लग सकती है, कोई भी डिमांड नहीं लग सकता है। इसको आप देखना चाहे तो क्लिक टू व्यू रिस्ट्रिक्शन TFA रिस्ट्रिक्शन में जाएंगे, तो क्लिक करेंगे, फिर ये स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। यहाँ देखिए ये हमारा डीके जो अभी है, अभी हमने इम्पोज किया है रिस्ट्रिक्शन, वो देखने लगा डीके डेट 31 अगस्त है, 2 डेट ब्लैंक है, क्योंकि ये TFA टेल फर्दर एडवाइस के लिए रिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। इसको हटाने के लिए यहीं पर देखेंगे आप, नीचे इसको सिलेक्ट करेंगे जब क्लिक करके तो अपडेट क्लोजिंग डेट आता है, वहां से इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया जा सकता है। अपडेट क्लोजिंग डेट डालेंगे तो यहाँ क्लोजिंग डेट डालेंगे, जिसकी अथॉरिटी नंबर से हो रहा है अथॉरिटी बाई, और अथॉरिटी डेट डाल के सेव करेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाएगा वहां से, फिर वो स्टेशन ओपन हो जाएगा फॉर लोडिंग और फॉर डिमांड रजिस्ट्रेशन। थैंक यू।